गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 से संबंधित आज एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना के अंदर आज हम इसके अंदर चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है, पहला पॉइंट है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। सेकंड पॉइंट है प्रतिशतता, परसेंटेज, 100 के ऊपर गणना। पॉइंट नंबर 3 है लाभ हानि, इसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और पॉइंट नंबर 4 है सरल ब्याज। तो राशियों की तुलना के अंदर आज हम चार चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे और सबको एक एक लिखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है अनुपात समानुपात, ये एक रेशियो के रूप में होगा। दूसरा है प्रतिशतता, जो होता है 100 के ऊपर गणना करना। तीसरा पॉइंट है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम खरीदना बेचना से संबंधित उसको दिमाग में रखते हुए लाभ हानि की गणना करेंगे। और लास्ट है सरल ब्याज की गणना कैसे की जाती उसके बारे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात क्या होता है उसको समझेंगे। अनुपात का मतलब होता है किसी भी भाग के द्वारा तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। किसी भी भाग के द्वारा तुलना करना, क्या करना, तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात। ये डेफिनेशन है अनुपात की, किसी भी भाग के द्वारा तुलना करना ही अनुपात कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट है समानुपात, जब दोनों अनुपात समान हो जब अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। समानुपात किसे कहते हैं, जब अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। ये अनुपात की डेफिनेशन है, ये समानुपात की डेफिनेशन। अभी किस तरह से होता है, भाग की तुलना किस तरह से होती है, किसी भी भाग के द्वारा तुलना करना ही अनुपात कहलाता है, ये किस तरह से किया जाएगा, और जब अनुपात समान हो तो वो कैसा होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इसको करने का तरीका होता है, जैसे एक प्रश्न है 12 व 15 का अनुपात क्या होगा, 12 व 15 का अनुपात क्या होगा। तो इसको करने के लिए ध्यान रखें 12 और 15। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसका सिंबल है, एक तरह का अनुपात का सिंबल होता है इस तरह से, और समानुपात का सिंबल है 4 बिंदी,
इसमें दो बिंदी होती है, उसमें चार बिंदी। दो बिंदी मतलब दो संख्याओं में, दो संख्याओं का भाग के द्वारा तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात है। तो ये संख्या एक ही है, दूसरी ये है, इन दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, अनुपात का निशान या रेशियो का निशान, चिन्ह है एक तरह का, इसको दिमाग में रखना है। तो 12 अनुपात 15 का क्या होगा, जिसको कहते हैं छोटा रूप गणना, यही इसका अनुपात कहलाएगा, अनुपात आएगा। देखो दोनों कौन से पहाड़ में कटता है ये दिमाग में रखना, इसको चाहो तो आप भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुपात को एक तरह से भाग के रूप में भी लिख सकते हो। वो किस तरह से हो सकता है, 12/15। आप सीधा करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, भाग के द्वारा करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वापस उसमें उसको अनुपात में लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें सीधा ही आप क्या कर, कौन से पहाड़ में दोनों कटते हैं, सिंप्लीफाई करना और दोनों का अनुपात जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये दोनों कट रहे हैं 3 में, ये 3 के अंदर कट जाएगा आपके 4 बार और ये आपका कट जाएगा आपके 5 बार। आपका अनुपात क्या हो गया, 4:5, यही आपका अनुपात है। उस तरह से करते हैं, ये दोनों कौन से पहाड़े में करता है, ये 4 बार ये 5 बार, और वापस इसको अनुपात में लिखना है। अंश वाली संख्या को पहले लिखोगे, हर वाली को बाद में लिख दोगे और दोनों के बीच में अनुपात का निशान बना दोगे। ये भाग के रूप में इस तरह से भी कर सकते हैं, अनुपात को प्रदर्शित करने का तरीका ये भी है। सबसे अच्छा तरीका जो ये है, इसी से रिलेटेड जो आपका ये ही है, इसी को ही समझने का प्रयास ज़्यादा करें, उसमें उलझन हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, जैसा है उसको अपन कर सकते हैं। ये अनुपात से संबंधित एक प्रश्न था, नंबर 1। और इसमें एक ध्यान रखोगे, दो संख्याएं होती हैं, किस तरह से, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। अभी आपको मैंने समझाने का प्रयास किया था, जैसे ये आपका है 18 है, ये आपका 20 है, बीच में अनुपात का निशान। इसका कहने का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप करना, छोटे से छोटा रूप करना ही होता है अनुपात होता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से पहाड़े में कटता, पहाड़े याद होने चाहिए छोटे से छोटा रूप करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, छोटी संख्या भी देख सकते हैं, बड़ी भी संख्या देख सकते हैं। छोटी संख्या का मतलब ये होता है उसको बार बार करना पड़ता है, जबकि बड़ी संख्या ऐसी देखनी जिसमें दोनों ही संख्या एक बार में ही कट जाए, सीधा वो अनुपात निकल जाए। छोटे में यदि हम देखते हैं तो ये दोनों ही 9 के अंदर आ रहा है, सॉरी 2 में आ रहा है। किसमें आ रहा है, 2 में, 9 में नहीं, 2 में। 9 में यदि आप करते हो, ये 9 के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन 9 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, जबकि सबसे छोटी संख्या आपकी ये 2 है, पहाड़ा सबसे स्टार्टिंग होता है 2 के अंदर ये भी आता है और ये भी आता है। तब हम देखते हैं 2 के पहाड़े में चला जाता है 9 बार और ये कट जाएगा आपकी 10 बार। क्या भी और कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, ये सबसे छोटा अनुपात है। 9 के पहाड़े में 10 नहीं आता, 10 के पहाड़े में 9 नहीं आता, यही आपका है सरलतम अनुपात। यही क्या आपका सरलतम अनुपात कहलाएगा। ये अनुपात से संबंधित है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। जब हम अनुपात आपके एक समान हो तो क्या कहला जाएगा, कहलाता है समानुपात कहलाता है। उसको करने का तरीका क्या है, ध्यान रखना। इसमें ये ध्यान रखना है, 4 संख्याएं मिलती है लेकिन 2 संख्या दोनों एक जैसी ही होगी, दोनों इकाई एक जैसी होगी, दूसरी जो इकाई दी वो दोनों अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ठीक है, फिर मैंने लिखा है तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या। अब ध्यान रखो, ये पहली संख्या तीसरी से संबंधित होता है और दूसरी संख्या चौथी से संबंधित है। जब इन चारों को एक साथ में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाता है। और समानुपात निष्कर्ष इस तरह से होता है, पहली संख्या अनुपात दूसरी, समानुपात तीसरी संख्या
अनुपात चौथी संख्या। अब कभी भी इसको हल करने का तरीका होता है, इसको कैसे कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा करना, पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा करना, इसको कहते हैं बाहर की तरफ, ये बाहर की साइड है, वो बाहर की साइड है, इसलिए इसको कहते हैं बाह्य पदों का गुणन, ठीक है। और दूसरी और तीसरी से गुणा करना, ये कहलाता है मध्य पद, अंदर की संख्या होगा गुणा करना। इस तरह से लिख सकते हो, पहले पहली संख्या गुणा चौथी संख्या, पहली संख्या गुणा चौथी संख्या बराबर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, अब देखो पहली संख्या इंटू चौथी संख्या का जो भी गुणा होगा दूसरी और तीसरी के गुणा के गुणफल के बराबर है, तब हम कहेंगे समानुपात है। यदि संख्या दोनों एक जैसी नहीं आ रही है, समान नहीं आ रही, तब हम कहेंगे समानुपात नहीं है। मैंने अभी कहा था पहली संख्या और चौथी संख्या का जब गुणा करते हैं, इसको कहते हैं बाह्य पद, क्या बोलते हैं, बाह्य पदों का गुणन, बाह्य पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन, मध्य पदों का गुणन। एक चीज ध्यान रखना, बाह्य शब्द की जगह आप एक और शब्द का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है चरम पदों का गुणन, ऐसे भी लिख सकते हैं चरम पदों का गुणन। चरम पद का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग, पहली और चौथी संख्या तक का जब गुणा करते हैं हम तो बाह्य पद कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं चरम पदों का गुणन। ये समानुपात के रूप में होता है, ये किस तरह से होता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसको दिमाग में रखना है कि समानुपात है या नहीं, आपको चेक करना है। दस कोमा बीस कोमा तीस तथा 60 को समानुपात में व्यक्त करें, समानुपात के रूप में, के रूप में व्यक्त करें। ध्यान रखें आपको ये कहा है कि समानुपात है या नहीं, जांच करनी है किस तरह से करते हैं। सबसे पहले संख्या है 10, फिर उसके बाद है 20, उसके बाद आपका 30, 30 के बाद आपका 60। पहली और दूसरी के बीच में जब हम तुलना करते हैं, दो संख्याओं के तुलना करते हैं, वो अनुपात कहलाता है। और यहां पर निशान लगा दोगे समानुपात का, अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उसी से संबंधित उसका क्वेश्चन है ये। फिर तीसरी और चौथी के बीच में अनुपात। अब ध्यान रखें, मैंने आपको कहा था पहली और चौथी संख्या का गुणा, यानी चरम पदों का गुणा या बाह्य पदों का गुणा, 10 गुणा 60, ये इस तरह से इस संख्या का इससे गुणा करना। फिर इस संख्या का इससे गुणा करोगे 20 इंटू 30 बराबर, पहले कर दें। अब 10 का 60 से गुणा करते हैं आपको क्या आता है, 600, और 20 का 30 से गुणा करते हैं आता है 600, तब हम कहेंगे यह समानुपात है। यदि यहां पर 500 होता या 600 होता तब हम कहते हैं यह समानुपात नहीं है। अनुपात क्या होना चाहिए, समान है, तो समानुपात भी क्या होंगे, समान ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। एक और समझें इस प्रश्न को, एक और एग्जांपल है, ये समानुपात में है या नहीं,
अभी चेक करते हैं, 12 अनुपात 9, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तीसरी दूसरी और तीसरी के बीच में समानुपात, तीसरी और चौथी के बीच में अनुपात। अब हम देखते हैं 12 का 3 से गुणा करते हैं, यानी पहली का चौथी से गुणा करते हैं, 12 × 3 बारतिया 36 बराबर में करोगे 9 का 8 से, 9 × 8 कितना आया 72। क्या समानुपात है? हम कहेंगे ये समानुपात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग है। यदि एक जैसी होती तब हम कहते ये समानुपात है, जब दोनों संख्याएं अलग अलग है तब हम कहेंगे समानुपात नहीं है। बराबर का निशान लगाते एक तिरछी लाइन खींचोगे, इसका मतलब होता है ये समानुपात नहीं है। ये थे इससे संबंधित आपके क्वेश्चन। अब पॉइंट नंबर दूसरा है प्रतिशतता। शब्द क्या है? प्रतिशत, प्रतिशत। प्रति का मतलब प्रति के शब्द, प्रतिशत शब्द के अंदर दो शब्द है प्रति शत। प्रति का मतलब पर, एक पर, शत का मतलब होता है 100, यानी 100 पर क्या की जाती है, इसकी गणना की जाती है। अब कैसे की जाती है? हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए या प्रतिशत दिया हुआ होता है तो निकालने के लिए संख्या के रूप में 100 से या तो करते गुणा करते या भाग करते। ये आपको समझना है कि गुणा कब होता है और भाग कब होता है। जैसे आपको मैंने कह दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि सर हमारे एक एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल पेपर नंबर कितना था, 60 नंबर का था, कितने 60 नंबर का कुल था, उसमें मेरे सर नंबर आए हैं कितने, कि सर मेरे 45 नंबर आए हैं, कितने आए 45 आए, तो आप मुझे बता सकते मेरा परसेंटेज कितना होगा, निकाल सकते हैं। पेपर कितने का था टोटल, सब 6 सब्जेक्ट है जैसे 10-10 करके आपके आगे 60, टोटल पेपर 60 का है, उसमें आपके 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आपने आपके नंबर आए 45। आपको आपने मेरे से पूछा कि सर इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ध्यान रखें इसको एक 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 नियम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें तो प्रतिशत के रूप में सीधा भी कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, आपके पेपर कितने का था इसको भाग के रूप में लिखना, पेपर जितने नंबर का होता है उसको भाग के रूप में लिखना। अब आपके नंबर कितने आए हैं वो अंश में आएंगे, कितने नंबर आए हैं 45 आए हैं, तो आप इसको करोगे 45 में लिखोगे भाग के रूप में, अंश के रूप में, ये तो हो गया 45/60। अब आपने क्या पूछा, 100 प्रतिशत, एक ध्यान करना प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। अब प्रतिशत निकालना, आपने किसी ने कह दिया सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत में जब प्रतिशत ज्ञात करना हो, ध्यान रखें एक चीज, जब प्रतिशत ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो तब 100 का क्या किया जाएगा, 100 का गुणा किया जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, ये पॉइंट के रूप में ध्यान रखना, जब प्रश्न में आपको कह दिया कि प्रतिशत ज्ञात करना है तब 100 का गुणा किया जाएगा। अब मैंने आपको इधर लिखा हुआ है 45/60, कितना लिखा हुआ है 45/60, आपको प्रतिशत निकालना है ना, तब आप क्या करोगे 100 × 100। अब एक ध्यान रखना, कोई क्या करता, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर नीचे कोई संख्या नहीं है, ये अंश में है या हर में, ये समझने वाली बात है। जब यदि आप 100 से गुणा करते हैं वो आपके अंश के रूप में ही संख्या है, हर के रूप में संख्या नहीं है। यदि आपको लिखना है तब आप क्या लिख सकते हैं, एक, हर के रूप में जब कोई संख्या नहीं होती है वहां पर हमेशा एक लिखा जाएगा, जीरो भी लिख दिया तब भी गलत होता है, इसलिए ये ध्यान रखना हर के रूप में संख्या एक है, यदि कुछ कुछ भी संख्या नहीं हो तब वहां पर केवल एक। अब आपको क्या करना है, छोटा रूप करना है। यदि कोई किसी पहाड़े में करता है वो अंश का हर से, या इधर हर का इस अंश से करता है, या इस अंश का इस हर से करता है, तो हम काट सकते हैं। काटने का नियम वही है, पहाड़ों के रूप में होता है, छोटी से छोटी संख्या लेते हो, बड़ी से बड़ी संख्या लेना। सबसे पहले देखते हैं ये जीरो है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया।
अब देखो ये छह है, ये दस है, किस पहाड़े में कटते हैं? दो के पहाड़े में कटते हैं। ये दो के पहाड़े में मैं काटता हूं इसको, ये तीन बार कटते हैं, दो दो थिया छह होता है। ये कितनी बार कटेगा? दो का दो के पहाड़े में दस कितनी बार आते हैं? पांच बार आता है। कितनी बार आता है? पांच बार। अब देखो अब कट रहे हैं, कट रहे हैं, तीन के पहाड़े में ये कट रहे हैं, तीन के पहाड़े में ये कटा, तीन का भाग जब इसमें दोगे कितनी बार भाग जाएगा? पंद्रह बार, पंद्रह तिया पैतालीस। ठीक है, अब देखो हर के रूप में कोई संख्या नहीं है, तब आप क्या करोगे? अंश में इधर पंद्रह है, इधर है आपके पांच, तो पंद्रह का पांच से गुणा करोगे, या इस तरह से एक बार लिख दो, पंद्रह इंटू पांच बराबर पिचहत्तर। पिचहत्तर क्या? आपने आपको अभी आपको मैंने समझाया था, ये पिचहत्तर प्रतिशत है। तो इस तरह से एक प्रतिशत निकालने का तरीका होता है जो इसके माध्यम से कर सकते हैं। प्रतिशत शब्द सैकड़ा, जिसे अपन कह सकते हैं, सैकड़ा का मतलब होता है सौ, यानी सौ के ऊपर गणना करना, ये ध्यान रखना है। जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तब सौ का गुणा किया जाएगा। अब यदि प्रश्न में प्रतिशत दिया हुआ है, यदि प्रश्न में प्रतिशत या परसेंटेज दिया हुआ है, आपको पूछेगा संख्या, आपकी संख्या क्या आती है, तब उसमें क्या करोगे? उल्टा करोगे, भाग होता है। अब या नहीं कह सकते हैं गुणा होगा, गुणा किस तरह से, एक बटा सौ के रूप में गुणा करना है, या फिर आप भाग के रूप में बटा भाग में सौ दे सकते हैं। ये प्रतिशत में एक समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि सर दो टेस्ट में हमारे टोटल 120 नंबर का टोटल था, ठीक है, और उसमें से किसने कह दिया कि सर मेरे परसेंटेज बने हैं 80%। कितना है 80%? सर नंबर का आइडिया नहीं है, कैसे निकालेंगे हम? तो ध्यान रखें कुल पेपर कितने का था, ये कुल पेपर नंबर है, कुल दो टेस्ट के हिसाब से था आपके 120, उसमें से आपका आ गया, किसी ने कहा सर मेरे 80% है, नंबर याद नहीं है मुझे, तब हम क्या करेंगे? तब आपको ये ध्यान करना, प्रतिशत में दिया हुआ है, आपको प्रतिशत को संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो एक स्टार के रूप में ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, जब प्रश्न में प्रतिशत दिया हुआ है, जब प्रश्न में प्रतिशत दिया है तब सौ का भाग किया जाएगा, सौ का भाग किया जाएगा। ध्यान रखना, जब प्रश्न में प्रतिशत दिया है तब सौ का भाग किया जाएगा। कैसे करना है? देखो इधर आपको करना है 120 का 80%। क्या कहेंगे? 120 का 80%। अब मैंने इस रूप में लिखा है, लेकिन ध्यान रखना का शब्द आया है ना, का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है? गुणा, यानी किस तरह से 120 इंटू 80%। ठीक है, अब प्रतिशत को क्या करना है? हटाना है, हमें संख्या पूछी इसमें, तब आपको क्या करना है? जब प्रश्न में प्रतिशत दिया है तब सौ का क्या दोगे? भाग, यानी प्रतिशत को हटाकर भाग के रूप में बना दोगे सौ, यानी 120 इंटू 80 बटा सौ। यदि कोई संख्या कट रही है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देखो जीरो से जीरो ये कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, संख्या आपकी क्या रही? 12, और उधर है 8। 12 का 8 से गुणा करोगे कितना आएगा? 96 नंबर या अंक। मेरे साथ इतने नंबर आए 96, कैसे? 80% के हिसाब से। हाँ, ये इस तरह से निकालने का तरीका होता है। प्रतिशत आपको पता है, टोटल कितने नंबर का पेपर था वो भी पता है, नंबर निकालने का ये तरीका होता है। इस तरह से प्रतिशत में हम क्या कर सकते हैं? देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे जो है लाभ और हानि और सरल ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है उससे संबंधित पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।